हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे और इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे कि अगर आपका रेजिस्टर पैरेलल में है तो हम लोग किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं रेजिस्टर इन पैरेलल। नेक्स्ट है बच्चों रेजिस्टर्स ऑफ पैरेलल। तो हम लोग कैसे कंडीशन में बोलेंगे कि रेजिस्टर हमारा पैरेलल में है, सीरीज में आपको पता है सीरीज में कैसा है। देखो पैरेलल में कुछ इस तरह से होगा बच्चों, अब देख रहे हो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से। अगर हमारा R1, R2, R3 सेट है तो हम लोग उस केस में बोलेंगे बच्चों कि हमारा जो रेजिस्टर है ना वो पैरेलल में है। ओके चलो एक बार हम लोग देखते हैं कि मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा यहाँ पे व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइमल्टेनियसली बिटवीन टू पॉइंट्स टू ईच अदर देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है बच्चों, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि सीरीज में बहुत इजीली हम लोग पता कर लेते हैं, और पैरेलल में देखो कुछ इस तरह से अगर कंडीशन दिख रहा है आपको, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप समझ जाना ये कैसा कंडीशन है, पैरेलल का कंडीशन है। और अगर समझने में दिक्कत हो भी रहा है बच्चों तो आपको सीरीज समझ में आता है ना, तो अगर आप सीरीज पकड़ लिए तो अगर सीरीज नहीं है तो कोई कंडीशन तो वो क्या होगा, पैरेलल में होगा। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड तो आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो, देखना आपको सारा डॉट्स क्लियर हो जाएगा। ओके पहला पॉइंट मैं बोला बच्चों, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि सीरीज में क्या था, अगर आर इक्विवेलेंट निकालना था तो हम लोग R1, R2, R3 कर देते थे, जोड़ देते थे तीनों को। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है ना तो हमें यहाँ रेसिप्रोकल चलना होगा, यानी कि 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ रहे हो बच्चों किस तरह से होगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3 जो भी आएगा बच्चों वैल्यू, उसको हम लोग फिर क्या करेंगे बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस रेजिस्टर इज सेम। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना बच्चों हर एक पॉइंट पे वो सेम होगा। सीरीज में क्या था, करंट सेम था हर पॉइंट पे, लेकिन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वी सेम होता है हर जगह। यानी कि अगर मैं आपको R1 के पास या R2 के पास या R3 के पास पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं तो आप बोलोगे कि हर जगह सेम ही होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, द करंट इज डिफरेंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब यहां पे क्या होगा ना, करंट डिफरेंट होगा बच्चों। R1 के पास करंट कुछ और होगा, R2 पे कुछ और होगा, R3 पे कुछ और आएगा। क्लियर है? सीरीज में क्या था कि करंट सेम था, वी अलग था। यहां पे क्या है, वी सेम है बट करंट अलग आएगा। याद रखिएगा बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके चलो अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखो बच्चों इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग R1 कर देते हैं 5 ओम, ठीक है ना, और R2 कर देते हैं हम लोग 10 ओम, ठीक है, और R3 कर देते हैं बच्चों क्या करते हैं, 20 ओम कर देते हैं। ओके और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताओ R इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है, साथ में आप बताओ कि करंट आपका क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो V है वो आप V मान के चलो कि 12 वोल्ट है। कितना है बच्चों, 12 वोल्ट मान के चलो। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे फिर करंट निकालेंगे। ओके तो देखो R इक्विवेलेंट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको बच्चों 1/R निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 1/R3। ओके ना, अब देखो 1/R यानी कि कितना लिया था, 1/5 प्लस 1/10 और प्लस बच्चों 1/20। अब हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, है ना। 5, 10, 20 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो बच्चों 20 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 का टेबल कितना बार पढ़िएगा कि 20 आ जाएगा, 4, 4 1 हो जाएगा बच्चों 4। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1। कोई दिक्कत? अब इसे आप ऐड करो, 4, 2, 6 और 1, 7/ क्या हो गया बच्चों, 20। क्या आया, 7/20। तो हमारा 1/ जो R निकला बच्चों वो निकला है 7/20, बट हमें R चाहिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, R इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 20/7। ध्यान रखिएगा 1/R निकला ना ये,
अगर हमें क्या करना है, इसको हम रेसिप्रोकल करना चाह रहे हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो यहाँ पे भी ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आता है बच्चों समझ लो। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 20/7 ओम, ये निकल गया आपको ओम, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस आपको निकल गया। अब इसे डिवाइड करके आप छोटा कर लो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो R इज इक्वल टू हो जाएगा, मान लो बच्चों राउंड करके आ रहा है ये 2.86, ठीक है ना, क्या आ रहा है 2.86, वैसे डिवाइड करोगे तो आएगा 2.8571, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो आप बोलो राउंड करके आप लिख दिए 2.86 ओम, ठीक है ना। अब आपको करंट निकालना है, करंट के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बच्चों, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो हमारा जो वी है वो कितना दिया हुआ बच्चों, 12, आई मालूम नहीं है और आर हम लोगों ने निकाल के रखा 2.86, तो क्या हो जाएगा 12/2.86 करोगे तो जो आएगा बच्चों वो आपका निकल जाएगा करंट। देखा कितना इजी है बच्चों, बस कुछ नहीं करना आपको, जैसे हम लोग ओम्स लॉ यूज़ करते हैं उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी ओम्स लॉ यूज़ करेंगे और हम लोग अगर करंट निकालना है तो करंट निकाल लेंगे और अगर वी निकालना है तो हम लोग वी निकाल लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे दोनों से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, उसे आप ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।